मैं हूं हर्षदा सावंत और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर। 8 नवंबर को नोट बंदी क्या हुई, 500 और 1000 के नोट महज कागज के टुकड़े बनकर रह गए। इसने सिर्फ ब्लैक मनी रखने वालों को ही परेशान नहीं किया, मेहनत की कमाई रखने वाले भी टेंशन में आ गए। करेंसी नोट पर किए जाने वाला वादा रिजर्व बैंक गवर्नर का झूठा लगने लगा। ऐसे में लोगों को एक नया विकल्प दिखा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अब तक बहुत कम लोगों को ही पता था, और जिन्हें पता भी था उन्हें इस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। टेक्नोलॉजी के इस जमाने में दुनिया भर में एक ऐसी करेंसी धूम मचा रही है जो ना तो किसी सरकार या सेंट्रल बैंक के दायरे में बंदी है और ना ही किसी शहर या देश की सरहद को रुकावट मानती है। आपने बिटकॉइन का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो हम बताते हैं कि बिटकॉइन के नाम से मशहूर ये क्रिप्टो करेंसी आखिर है क्या। आजकल जब हम पैसे की बात करते हैं तो हमेशा हम फियाट करेंसी, यानी वो ऐसी करेंसी जो कि गवर्नमेंट ने बनाई है और गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, उसके बारे में सोचते हैं। क्रिप्टो करेंसी, ये दो शब्द हैं, एक क्रिप्टो और करेंसी। करेंसी का मतलब तो हम सब समझते हैं। क्रिप्टो करेंसी का मतलब होता है कि क्रिप्टोलॉजी पे बेस्ड, यानी कि कंप्यूटर एल्गोरिदम से बनाई गई करेंसी। जब हम डिजिटल करेंसी, नेट बैंकिंग या कैशलेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो जो बैकग्राउंड में पैसा होता है वो वही रुपया होता है, डॉलर होता है, यूरो होता है, उसको हम डिजिटली स्टोर करते हैं, ना कि कागज पर। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है, जब बनाई जाती है, ये कंप्यूटर एल्गोरिदम्स के थ्रू बनती है, इसका नाम हमने क्रिप्टो करेंसी दिया है। आज से यदि आप 4 साल पहले या 5 साल पहले देखें, जब बिटकॉइन लगभग शुरू हुआ था, तब दुनिया में $1 करोड़ की ट्रांजैक्शन होती थी तो उसमें $1 मात्र का भी बिटकॉइन नहीं होता था। आज यदि हम देखें तो टोटल जो ट्रांजैक्शंस हो रही है बिटकॉइन की, एक हफ्ते में लगभग $1 ट्रिलियन की हो रही है। इसमें मैंने करेंसी स्पेक्यूलेशन की ट्रांजेक्शन को भी गिना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम ग्लोब की सारी करेंसीज, विश्व भर की सारी करेंसीज को देखें तो वो लगभग $70 ट्रिलियन की एक हफ्ते में हो जाती हैं। तो नाउ कम से कम बिटकॉइन की हैसियत 1.5% 1.25% तक पहुंची है। मगर यदि आप ऐसा सोचें कि दुनिया में जो टॉप के 4-6 देश हैं, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, जापान वगैरह, इनकी करेंसीज को हटा दो तो बिटकॉइन अन्य 100 देशों की करेंसी से ज्यादा पावरफुल है। तो आज हुआ ऐसा रहा है कि बिटकॉइन पहले तो बस एक नाम मात्र, खेल में यूज होने वाले पैसे के बराबर था। जो शुरू हुआ कुछ $1 की कीमत से भी कम पे, आज वो $900 का एक बिटकॉइन है। ज्यादा से ज्यादा थे $1200 पे पहुंचा था। और दुनिया में जब कभी भी ऐसे कोई इवेंट्स हो जाते हैं जिससे लोगों को इनसिक्योरिटी होती है, जैसे कि यूएस में कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हुई जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए, इंडिया में कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हुई जब नरेंद्र मोदी ने रूपी को, कुछ करेंसी को डिमोनेटाइज किया, उस समय हमने देखा है कि बिटकॉइन की कीमत हमेशा बढ़ती है, क्योंकि वहां पर हमें कम से कम यह मालूम होता है कि कोई भी सरकार इसको आके कंट्रोल नहीं कर सकती। समझो आज से 50 साल पहले सिर्फ जो कंट्री की गवर्नमेंट होती थी वो न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर चलाती थी। फिर क्या हुआ कि जैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी फैली, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम फैले, तो बहुत सारे टीवी चैनल और न्यूज़पेपर बन गए, जैसे कि आपका। तो इससे क्या हुआ कि जो पावर थी इन्फॉर्मेशन की वो थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हुई। जब mid-90s में इंटरनेट फैलना काफी शुरू हुआ, उस समय हमने ये देखा कि ये पावर इस हद तक फैल सकती है कि हम सारे जर्नलिस्ट बन जाएं, हम सारे इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करें, और आज की जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन एटसेट्रा, इन सब ने हमको पब्लिशर बनने का मौका दिया है। ठीक उसी तरह जैसे कि गवर्नमेंट फियाट बेस्ड करेंसी बनाती है, क्यों ना हम सब मिलकर एक करेंसी बनाएं। इसे अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटेड कंसेंसस कहा जाता है। जैसे कि हमने कभी सोचना है कि डॉलर की कीमत क्या है, या यूएस गवर्नमेंट ने कितने डॉलर छापने हैं, या इंडियन गवर्नमेंट ने कितने नोट छापने हैं, ये कुछ चंद लोग होते हैं रिजर्व बैंक में या अन्य सेंट्रल बैंक में डिसीजन लेते हैं। अगर हम सारे लोग मिलकर यह डिसाइड करें, ना कि सिर्फ हमारे रिप्रेजेंटेटिव, ये जो होगा ये ट्रू डेमोक्रेसी होगी। और आज क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से पैसा ट्रूली डेमोक्रेटाइज हो रहा है, राइट? एंड यही जो क्रिप्टो करेंसीज का बेसिस है। एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो डॉलर होता है या रुपी होता है उसका एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है, जैसे एक रिजर्व बैंक होता है। मुझे लगता है कि यह ख्याल अब पुराना हो गया है। आज कंप्यूटर के जमाने में हम सारे लोग मिलके
अगर अपनी कंप्यूटेशन पावर से उस करेंसी को कंट्रोल करे तो वो सबसे डेमोक्रेटिक और फ्री मेथड ऑफ करेंसी कंट्रोल होगा। मुझे सिर्फ एक डिसएडवांटेज नजर आता है कि क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक ट्रूली डिजिटल करेंसी है, इसका फिजिकल वर्जन नहीं होता, इसके ना तो नोट छापे जा सकते हैं ना इनका कोई बैंक अकाउंट या पासबुक बन सकता है। इस कारण की वजह से जो ऐसे लोग हैं जिनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी के लिए एक्सेस नहीं है या डिजिटल टेक्नोलॉजी उनके लिए दूर की बात है, उनके सब तक तो बिजली या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो किसी तरह का डिजिटल डिवाइस चला नहीं सकते, वो जो सारे लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी के दायरे से आज बाहर है। मगर चूंकि दुनिया की हर एक सरकार, हमारी सरकार भी आज कैशलेस ट्रांजैक्शन, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रही है, तो उस डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से जो फियाट करेंसीज हैं जैसे रुपीस, डॉलर्स एटसेट्रा, उनके कंपैरिजन में उसके सिर्फ एडवांटेजेस हैं। यदि आप अपना जीमेल की का पासवर्ड किसी कागज में लिख देते हैं और मैं आपका पासवर्ड पढ़ के आपका जीमेल एक्सेस कर लेता हूं तो इसे हैकिंग नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसे जीमेल की कोई गलती नहीं थी, ये आपने अपना पासवर्ड खो दिया। इस तरह से तो बिटकॉइन हो या कोई भी डिजिटल करेंसी हो उसे हैक किया जा सकता है अगर आप खुद अपनी ऑथेंटिकेशन ना रखें। बट चूंकि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन बेस्ड है, यानी कि वो कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जहां पे लिखा है कि आपके पास इतने बिटकॉइन है या मेरे पास इतने बिटकॉइन, और बिटकॉइन एकमात्र क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ऐसी अन्य क्रिप्टो करेंसीज है, ऐसा कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं है जहां के ऐसा लिखे जिसको आप चेंज करके हैक कर दो तो आपका अकाउंट का बैलेंस बदल जाएगा। किसी प्रकार की ट्रांजैक्शन करने के लिए भी पूरा ब्लॉकचेन को माइन करना पड़ता है, इसके लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत ही हाईली सिक्योर है। एंड आज तक ऐसा एक भी एग्जाम्पल नहीं है, खास करके जो बड़ी क्रिप्टो करेंसीज है बिटकॉइन की तरह, जबकि ब्लॉकचेन को हैक किया हो, जिस मीन्स सेंट्रली किसी ने जाके आपके एक डॉलर को 100 डॉलर या एक बिटकॉइन को 100 बिटकॉइन बना दिया हो। सबसे बड़ा फायदा उसका यह है। दूसरा फायदा यह है कि यह किसी एक व्यक्ति, एक देश, एक कमिटी, एक बैंक के कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए चाहे यू नो अमेरिका अपना डॉलर को आज डीवैल्यू करने की कोशिश कर रहा है, चाहे चाइना सदियों से अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा है, चाहे इंडिया में और अब अन्य देशों में वेनेजुएला, पाकिस्तान एटसेट्रा में डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी की बात हो रही है, ये सारे जो गवर्नमेंट के डिसीजन है इन सब से क्रिप्टो करेंसी दूर है क्योंकि गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी पे कोई कंट्रोल नहीं। आज तक जो क्रिप्टो करेंसीज बनी थी और बंद भी हो गई, उन सारों को मिला दो तो 1000 से ज्यादा करेंसीज आई थी। उनमें से आज से 4 या 5 साल पहले बिटकॉइन अकेला अराउंड 95-96% मार्केट शेयर होल्ड करता था, आज अराउंड 2/3 यानी 66% मार्केट शेयर होल्ड करता है। मगर बिटकॉइन छोड़कर बस 3-4 ही ऐसी मेजर करेंसीज हैं जैसे जी कैश, इथीरियम, मोनेरो, जो के बिटकॉइन के साथ जोड़ लो तो लगभग 95-98% टोटल आ जाती हैं। बट वो छोड़ के ऐसे अन्य कई सैकड़ों करेंसीज हैं जो कि स्पेशल पर्पस करेंसीज गिनी जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऐसी एक करेंसी है जिसे कहा जाता है रेड कॉइन, वो सिर्फ लोगों को जब टिप देना होता है, सब जो आपने एक फेसबुक पे अच्छी एंट्री की जो मुझे पसंद आई और मैं आपको एक किसी तरह के थोड़े से पैसे देना चाहता हूं उसके लिए, तो उसके लिए रेड कॉइन यूज किया जाता है। एक ऐसा कॉइन है जिसको बिट गोल्ड बोलते हैं, विच इज बैक्ड बाई गोल्ड, जैसे पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड होता था करेंसीज का। सो अलग अलग कॉन्सेप्ट पे लोगों ने अलग अलग करेंसीज बनाई है, और ठीक उसी तरह जिस तरह कोई भी व्यक्ति आज ऐप बना सकता है, आज कोई भी व्यक्ति करेंसी बना सकता है, लेकिन उसका कोई मायने नहीं है क्योंकि वो करेंसी कभी यूज नहीं होगी। तो आई वुड से बिटकॉइन जो है सबसे अव्वल नंबर पे है। बिटकॉइन के जो भी ट्रांजैक्शन है उन्हें आप 3 कैटेगरी में डाल सकते हैं। एक है क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन, ठीक उसी तरह जिस तरह कहीं ना कहीं मिंट में रुपए छपते हैं, डॉलर छपते हैं, तो बिटकॉइन भी कहीं ना कहीं तो बनता होगा, तो दिस इज क्रिएशन, इसे माइनिंग कहा जाता है। दूसरा है एक्सचेंज, यानी कि हम एक फियाट करेंसी जैसे डॉलर, रुपीज, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यूरो लेके हम उसको एक्सचेंज कर रहे हैं बिटकॉइन से। एंड थर्ड इज हम बिटकॉइन को यूज कर रहे हैं, लेट अस से ई कॉमर्स वेबसाइट पर कोई सामान लेने के लिए। तो जो आखिरी का मैंने बताया वो तो बहुत मामूली सी बात है, इंडियन ई कॉमर्स वेबसाइट्स अब तक बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, मगर ग्लोबली काफी मेजर वेबसाइट्स हैं, ना सिर्फ वेबसाइट्स, इवन जैसे आप अमेरिका चले जाएं कई जगहों पे रेस्टोरेंट्स हैं, दुकानें हैं जो कि पेमेंट बिटकॉइन में एक्सेप्ट कर लेती हैं। जो छोटी अपॉर्चुनिटीज हैं, यानी कि करेंसी एक्सचेंज बनना या पेमेंट गेटवे बनना, ये
हालांकि मैं इन्हें छोटी अपॉर्चुनिटी कह रहा हूं, मगर जब विश्व के सबसे बड़े स्टार्टअप्स हैं, इंडिया में भी जो लगभग 10 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, उनमें से एक पेटीएम जो है वो पेमेंट गेटवे है। तो जो क्रिप्टो करेंसी के पेमेंट गेटवे है, डिजिटल वॉलेट्स है पेटीएम की तरह, उनमें तो अब बस शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि हालांकि ये छोटी अपॉर्चुनिटी है, इसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छुपी है। और जो मैंने मेन चीज आपको कही थी, माइनिंग यानी क्रिएशन ऑफ बिटकॉइन, उस तरह की अपॉर्चुनिटी आज तक विश्व में कोई आई नहीं है। क्योंकि आप या मैं या कोई कॉरपोरेशन या कोई स्टार्टअप ऐसा कहे कि हम पैसा बनाएंगे, यानी डॉलर नहीं, रुपी नहीं, हमारी अपनी करेंसी होगी, ये तो मतलब हमारे सोच के बाहर है। हमारी सोच वहां तक पहुंचती नहीं, क्योंकि करेंसी जो होती है तो देश बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। आज वो अपॉर्चुनिटी आ गई है कि ना सिर्फ आप पैसा कमाएं, ना सिर्फ आप पैसा बनाएं, बल्कि आप पैसा बने। दैट मीन्स यू आर द मॉनेटरी सिस्टम इटसेल्फ। बिटकॉइन का ये चलन जितनी तेजी से बढ़ रहा है, इसमें कारोबार के मौके भी उतनी ही रफ्तार पकड़ रहे हैं। आगे देखेंगे भारतीय स्टार्टअप्स बिटकॉइन के जमाने में कैसे अपनी जगह बना रहे हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर और आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं बिटकॉइन बिजनेसेस से। पिछले कुछ दिनों से हमने डिजिटल और कैशलेस इकोनॉमी की काफी चर्चा सुनी है, जहां एक तरफ कागज की करेंसी के बगैर अर्थव्यवस्था चलाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी बिटकॉइन जोर पकड़ रही है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी को बनाने, उसके एक्सचेंज, पेमेंट गेटवे और वॉलेट जैसे क्षेत्र में भी बिजनेसेस खड़े हो गए हैं। इस नई यूनिवर्सल करेंसी में लेन देन को आसान बना रहा है बंगलुरु का एक स्टार्टअप उनोकॉइन। बिटकॉइन, इस डिजिटल करेंसी की पहल 2007 में सातोशी नाकामोटो नाम के शख्स ने की। 2009 में दुनिया का पहला बिटकॉइन सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ और इंक्रिप्शन तकनीक के इस्तेमाल से बिटकॉइंस की पहली यूनिट जनरेट हुई। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी को भारत में इस्तेमाल होने में समय लगा। वैसे बिटकॉइन के लेन देन को भारत में आसान बनाने के लिए कुछ गिने चुने स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इनमें से एक कंपनी है उनोकॉइन। जून 2013 में बैंगलोर बिटकॉइन प्रोग्रेसिव थिंकर्स मीटअप में उनोकॉइन की नींव रखी गई और 6 महीने बाद सात्विक विश्वनाथ, हरीश बीवी, अभिनंद कासेती और सनी रे की चौकड़ी ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में ट्रायल के तौर पर उनोकॉइन को लॉन्च किया। 2014 से उनोकॉइन ने लेन देन की लिमिट तय करके पूरी तरह से ट्रेड ऑपरेशन बतौर कंपनी शुरू किए। While we propagated great things about Bitcoin, one question we couldn't really answer is where they can buy Bitcoin. So this gave rise to the idea that maybe we should put the platform together for those users to start buying and selling Bitcoin, and that gave rise to Unocoin, which we have today. Unocoin एक Bitcoin exchange है। यहाँ आपका Bitcoin account बनता है और Bitcoin wallet create होता है। Unocoin के जरिए trading के लिए सबसे पहले आपको exchange में मौजूद currency की रकम अपने Bitcoin wallet में transfer करनी होती है। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि इस तरह के लेन देन में paper currency की तरह पैसे गंवाने का जोखिम बिल्कुल नहीं होता। So the way we try to simplify and explain Bitcoin is that like how rupees is for India and American dollars is for USA. It is the Bitcoin is the currency for the internet. So you can use the Bitcoin to be able to send and receive money, like how you can send and receive the email in an instant. So it is just like how the technology like email bought to the post office, right? So it was a drastic change of making things fast and cheap. It is exactly the same thing is happening for the money through Bitcoin on the internet. Bitcoin अब cashless transaction के जमाने में एक बढ़िया विकल्प माना जा रहा है। Unocoin ने कुछ players के साथ हाथ भी मिला लिए हैं जो payment Bitcoin में ले रहे हैं। इसमें मोबाइल और DTH सर्विस का रिचार्ज करने वाली कंपनियां, ऑनलाइन शॉपिंग, गिफ्ट कार्ड प्लेयर शामिल हैं। कई बिजनेस भी इस करेंसी का इस्तेमाल क्लाउड सर्वर, ऑनलाइन टेक सपोर्ट सेवा खरीदने के लिए कर रहे हैं। लेकिन आखिर इसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? एक वेरीफाइड यूजर अपने उनोकॉइन वॉलेट से बिटकॉइन ट्रेड, ट्रांजैक्ट और स्टोर कर सकता है। बिटकॉइन ऐसे लोगों को भी बेच सकते हैं जिनके पास उनोकॉइन अकाउंट नहीं है। साथ ही आपके पास अपने बिटकॉइन को सुरक्षित रखने के लिए पेपर वॉलेट जनरेट करने की भी सुविधा है।
we only have Indian customers. We have 120,000 users today. And we provide the trading platform for bitcoins, right? So where people can buy and sell bitcoins on our platform. We also provide wallet services where they can keep their bitcoin on their UnoCoin wallet and be able to send and receive. And we also provide merchant gateway services for the online merchants to be able to accept bitcoin as a mode of payment. UnoCoin ने अपने कारोबार की शुरुआत 20 लाख की कैपिटल से की और हाल ही में UnoCoin को ब्लूम वेंचर्स और US बेस्ड फर्म डिजिटल करेंसी ग्रुप से फंडिंग भी मिली है। बिटकॉइन के लेन देन ऑपरेशन के लिए UnoCoin 1% की फीस चार्ज करता है। इसके अलावा फीस पर 15% का सर्विस टैक्स भी लगता है। हालांकि बिटकॉइन खरीदने और स्टोर करने पर कोई टैक्स नहीं है। For every user, we will give them a Bitcoin address to which they can deposit their Bitcoin, and as soon as they deposit, it will start showing up in their wallet. And then they'll also have the ability to send it out to some other Bitcoin address or even be able to sell it and get the rupees to their bank account. Bitcoin ko demonetization ke waqt sabse zyada liquid currency ke roop mein dekha ja sakta hai. UnoCoin के अलावा इस दिशा में काम करने वालों में ZebPay, कॉइन सिक्योर और BTCX इंडिया जैसे नाम शामिल हैं। क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन को एक यूनिवर्सल करेंसी माना जा रहा है। एक एसेट के तौर पर बिटकॉइन की कीमत पिछले दो साल में 7000% बढ़ी है और ये कीमत आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ सकती है। भले ही दुनिया भर के सेंट्रल बैंक बिटकॉइन को कानूनी रूप से मान्यता देने में वक्त ले रहे हों, इसके बावजूद बिटकॉइन एक ग्लोबल करेंसी बन चुकी है और अब वो दिन दूर नहीं जब क्रिप्टो करेंसी भी सरकारी मान्यताओं के दायरे में आकर अपनी पॉपुलैरिटी को दोगुना करने में कामयाब होंगी। शिवानी नैलवाल, मुंबई। भारत में तकरीबन 20 ऐसी बिटकॉइन कंपनियां कारोबार कर रही हैं, जिनमें से सिर्फ 3 को वेंचर फंडिंग मिली है। आने वाले समय में जैसे जैसे इस करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा, कारोबार के मौके भी जाहिर तौर पर बढ़ेंगे ही। यहां लेंगे एक छोटा ब्रेक, आगे देखेंगे स्टार्टअप दुनिया की बड़ी खबरें। और आवाज एंटरप्रेन्योर के इस आखिरी हिस्से में नजर डाल लेते हैं कि इस हफ्ते कौन सी स्टार्टअप्स रही सुर्खियों में। बैंगलोर बेस्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप योस्त्रा लैब्स को मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन और सोशल एंटरप्राइज इंक्यूबेटर बिल ग्रोस से फंडिंग मिली है। योस्त्रा डायबिटीज मरीजों के लिए प्रोडक्ट डेवलप करती है। फिलहाल कंपनी के दो प्रोडक्ट हैं, स्पर्श और कदम। डायबिटीज के एडवांस स्टेज के मरीजों में एम्प्यूटेशन को रोकने के लिए योस्त्रा ने टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जो इस बात की तहकीकात करती है कि पेशेंट को टच और वाइब्रेशन का एहसास हो रहा है या नहीं। गुड़गांव बेस्ड कार सर्विसिंग और रिपेयर स्टार्टअप वाव कार क्लिनिक ने एंजल फंडिंग जुटाई है, हालांकि रकम का खुलासा कंपनी ने नहीं किया है। जेमिनी सॉल्यूशन के विशाल मलिक और IITs के ग्रुप ने निवेश में हिस्सा लिया है। वाव कार सर्विसिंग और रिपेयर का मार्केट प्लेस मॉडल है। फैशन पोर्टल फाइन को फेसबुक के पूर्व एग्जीक्यूटिव आनंद चंद्रशेखरन से फंडिंग मिली है। इनके अलावा इस राउंड में अरविंद स्पोर्ट्स लाइफस्टाइल के राजीव मेहता, लिव स्पेस के रमाकांत शर्मा भी शामिल हैं। फाइन एक फैशन ई कॉमर्स पोर्टल है जो लेटेस्ट इन स्टोर फैशन को ऑनलाइन लाता है। कंपनी की शुरुआत 2013 में फारूक अदम, हर्ष शाह और श्री रमन MG ने मिलकर की थी। कंपनी नजदीकी फैशन आउटलेट से प्रोडक्ट सोर्स करके 24 घंटे में डिलीवर करती है। फाइन की प्रोडक्ट रेंज में एथनिक वेयर, शूज, बैग्स और क्लोथिंग शामिल हैं। सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फर्म आविष्कार ग्रामीण इलाकों के बिजनेस को फंड करता है। आविष्कार 100 से $150 million का फंड जुटाने जा रहा है, जो खास तौर पर अफ्रीकी मार्केट में लगाया जाएगा। आविष्कार के CEO विनीत राय ने कहा है 2017 के पहले 6 महीने में फंड जुटाया जाएगा और अगले साल तक क्लोज किया जाएगा। इसी के साथ इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। नमस्कार एंड टेक केयर।